सीआईएससी के बहुत सारे बच्चे वरिड है रिजल्ट को लेकर और कैसे रिजल्ट होंगे। अक्सर मैं कई बातें कहता हूं तो बहुत सारे लोग रॉन्ग कमेंट भी करते हैं। खैर, चिंता की बात नहीं है, वो उनकी परेशानी और उनकी एंजाइटी लेवल है, लेकिन फर्क कहां पर बैठ रहा है या आपके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिस तरह से सीआईएससी के ऑफिशियल ने देश भर के स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ बातचीत की, सभी स्कूल के प्रिंसिपल नहीं थे, बताया जाता है करीब 1100 स्कूलों के प्रिंसिपल से बातचीत की है। उनमें यह कहा है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं और यह मीटिंग लगभग फ्राइडे को कंक्लूड होने हैं, और रिजल्ट से पहले इस तरह की एक फॉर्मल मीटिंग होती भी है तो उसमें बच्चों को एश्योर रहने के लिए कहा गया है। तीन तरह के बच्चों को एश्योर रहने के लिए कहा गया है कि रिजल्ट आने में अभी समय है, मतलब कि नेक्स्ट वीक रिजल्ट इम्प्रोवाइजेशन का काम होगा, उसके बाद रिजल्ट पब्लिकेशन का काम होना है। तो इसमें नेक्स्ट वीक रिजल्ट इम्प्रोवाइजेशन हो गए, मेरे अनुभव को भी मान लीजिए, मैं भी बातें किया तो मेरी बातों को थोड़े से समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको एक वैल्यू एडिड करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो बातें बता रहा हूँ ये मेरा भी अनुभव है कि आप इन चिंताओं से मुक्त हो जाइए कि रिजल्ट में आप फेल करने जा रहे हैं। जो बातें आई हैं उसमें कहा गया है, एवन ऑफिशियल्स का या सीआईएससी का जो भी अपना मीटिंग है उनमें वो बातें कही गई हैं कि स्टूडेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, फेलिंग परसेंट नियरली घट गए हैं, मतलब कि खत्म हो गए वो टर्म यूज हुए थे, मैंने तो आपके साथ एक लॉजिकल टर्म बोला है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि हाई स्कोरिंग लगभग डबल है, मतलब टॉपर स्टूडेंट की संख्या भी बहुत अच्छी है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आके यहाँ पर रॉन्ग कमेंट भी करते हैं, खैर वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर बात है चिंता कीजिए कि आपकी एंजाइटी या आपका प्रॉब्लम है तो यह एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इस समय सीआईएससी की सबसे बड़ी चिंता है सही ढंग से रिजल्ट को देना। मैंने अपना पहले वाले वीडियो में बताया कि सीआईएससी स्टूडेंट के रिजल्ट को देन एंड देयर देने के लिए डिजी लॉकर जैसी सुविधा भी स्कूलों के द्वारा स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिया है। स्टूडेंट को कहा है कि वो उसके जो मार्क्स हैं वे मार्क्स, मैं दो फिंगर इसलिए जो रहा हूँ कि उनके जो मार्क्स हैं ये मार्क्स काफ़ी हद तक उनके लिए एक बून है। और थर्ड पॉइंट ये आ रही है कि इस मार्क्स में कई सारे ग्रेडेशन भी हो चुके हैं, अब मार्क्स को लेकर कंफर्मेशन का दौर है, मार्क्स को लेकर रिजल्ट के डमी का दौर होगा। नेक्स्ट वीक जो जानकारी है 18th से 19th तक रिजल्ट के डमी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे ही ये रिजल्ट के डमी प्रैक्टिस हो जाएंगे और इसके लिए सीआईएससी अपने रीजनल ऑफिस से भी यह डमी का प्रैक्टिस करेगी। देश भर में सीआईएससी के कई रीजनल ऑफिस है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तो उसके रीजनल ऑफिस से और कई स्कूलों के प्रिंसिपलों को कनेक्ट करता है कि केवल यूजर आईडी और इंडेक्स नंबर को डाल के लॉगिन कर पाते हैं। यदि वे कर रहे हैं एक एज ए स्टूडेंट तो उनको डमी यूजर आईडी और इंडेक्स नंबर दिए जाएंगे और इसके बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर ये रिजल्ट सही ढंग से आ जाएंगे। इसी बीच यदि स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो 2024 के लिए 10 ईयर्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने जूनियर को और बाकी सभी बच्चों को ताकि वे परचेज कर सकते हैं। इस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जहां तक बात अन्य सारे पॉइंट्स की है, इस समय बच्चों को पेशेंस रहने की ज़रूरत है, ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैंने दो ही बात बताई है अभी कि एक आपके हाई स्कोरिंग लगभग डबल हैं और दूसरी बात ये है कि फेलिंग परसेंट नियरली जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट आ रहे हैं उनमें कहे गए हैं जो उनके अपने मीटिंग में उन्होंने बताया कि स्टूडेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो है ना काम की बात। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।